Super banget dia tim Metro. Orang kaksa pat, oboko, bisa Hindi, biakan vivak, part pela warna mala. Dia tim Metro, Hindi bahasa, nagri lipi में लिखी गई थी. Hindi warna mala में दो प्रकार के warna हैं, स्वर और व्यंजन के दोनों मिला के शब्द बनते हैं, शब्द बनाकर वाक्य बनते हैं. तो स्वर ओ आ ई ई उ उ उ ए ए ओ ओ ओम अ, तो व्यंजन है आप हिंदी व्याकरण में देख सकते हैं पाठ पहला क ख से लेकर ञ तक, तो आप व्यंजन भी देख सकते हैं. विद्यार्थी मित्रों आगे देखें तो अ से अनार, आ से आम, ई से इक इमली, ई से इक उल्लू, उन रूसी एडी एन ओखली और अंगूर. तो कलम खरगोश, गदा घर, चमचा छड़ी जग, जिल टमाटर ठठेरा डमरू ढक्कन बांध, ये सब व्यंजन हम देख रहे हैं. तराजू थन दवात धनुष नल पतंग फल बस भवन मछली यज्ञ रथ लहसुन वट शहनाई षटकोण सड़क हल क्षत्रिय ज्ञानी पत्र. तो यहाँ हम देखे तो मात्राओं का भी ध्यान दिया है, आ में ई उ, ये सब वर्णमाला में आता है. आगे हम देखे तो क में आ आता है तो का आता है, और उसमें म लगाओ तो काम, आकाश, किला, तकिया, बारकसरी. विद्यार्थी मित्रों वो भी आप लिख सकते हैं पूरी बारकसरी. तो वर्णमाला से हम आगे देखे तो गिनती, गिनती विद्यार्थी मित्रों हिंदी व्याकरण में पान नंबर 10 के ऊपर है. एक से 100 तक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस तैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्नासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पंचानवे छियानवे सतानवे अठानवे निन्यानवे और सौ. तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हमने गिनती देखी. गिनती में एक ही बात का ध्यान रखना है, गिनती में सबसे पहले देखे तो गिनती में एक दो बराबर है, तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस. गिनती में हमको एक में ध्यान रखना है, तीन में ध्यान रखना है, चार में ध्यान रखना है, पांच में छः नौ और दस. तो सौ गिनती में कहीं आपकी गलती नहीं होगी. विद्यार्थी मित्रों यहाँ कुछ मुहावरे पार्ट तीन मुहावरे का है, तो वो भी आप देख लीजिए.
मुहावरे में सब अर्थ कहावते भी दिया है समानार्थी शब्द। पाठ पांच। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में आप समानार्थी शब्द भी लिख दीजिए। इसके बाद है समानार्थी, समान अर्थ वाला जो भी होता है उसको समानार्थी बोलते हैं। और विलोम शब्द, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विरोधार्थी शब्द कहते हैं, वो भी आप अपनी कॉपी में लिख डालिए। विरोधार्थी शब्द भी शब्द समूह के लिए एक शब्द। विद्यार्थी मित्र, तो यहां आप अपनी हिंदी व्याकरण में 41 तक है तो वो भी लिख डालिए। इसके बाद आगे हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्र, आभार।